अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हर रोज की तरह आज भी हम आपको वेलकम करते हैं। आज भी बहुत ही मजे की क्विक रेसिपी हम बनाएंगे जो कि है तंदूरी जिंजर हांडी। आपने बनाई होगी ज़रूर, लेकिन आज आप लोग बनाएंगे इसको थोड़े से डिफरेंट तरीके से जो कि मेरे तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो तंदूरी जिंजर हांडी के लिए हमने करना क्या है, हम सबसे पहले अपने पैन में डालेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, जो कि हम सबको पता है कि 80 सालों से हम तमाम माओं का भरोसा इस पर है। 1/4 कप, बस सिर्फ हम इसमें 1/4 कप ऑयल डालेंगे। साथ में हम यहाँ पर चूल्हा जलाएंगे। जैसे ही आप देखो कि थोड़ा सा तेल गरम हो रहा है, फिर हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। अच्छा, चिकन की जो कटिंग है वो आप लोगे जूलियन कटिंग, छोटे क्यूब्स की कटिंग, आपके ऊपर इंटायरली डिपेंड करता है ये, बट हड्डी से भी ये बाय द वे बन सकती है। ये भी मैं आपको बताऊं, अगर बहुत घरों में होता है कि बोनलेस चिकन में वो मज़ा नहीं होता तो कोई मसला नहीं, आप इसको हड्डी वाली चिकन से भी बना सकते हैं। मैं इसको बना रही हूँ जूलियन कटिंग से। ये जो हल्की फिंगर लंबी कटिंग होती है इसको जूलियन कटिंग कहते हैं। इसको आप छोटे छोटे क्यूब से बनाएंगे तो भी बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। ये जब आप देखोगे हल्का सा जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है ये थोड़ा सा कच्चा पक्का हो गया है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन जो जूलियन कटिंग में है, जो मैंने आपको बताया, ये है 1/2 किलो से थोड़ी सी कम। अब जैसे ही आप देखोगे कि चिकन का थोड़ा सा फ्राई हो गया है और ये इस तरह का एक इसमें लुक आ गया है, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर हमें एक बड़ा चाहिए या दो छोटे चाहिए स्लाइस में। देखेंगे हल्का सा, बस ये थोड़ा सा चिकन का कलर चेंज होगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो। एक टमाटर स्लाइस करके डालना है, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूंगी सीजनिंग्स। सीजनिंग्स नमक है, लाल मिर्ची है। अब मैं इसमें डालूंगी सीजनिंग्स। सीजनिंग्स डालने के बाद इसको हम ढक देंगे ताकि चिकन भी गल जाए और जो टोमेटोज हम डाल रहे हैं वो भी गल जाए। 1 टीस्पून किसी भी लाल मिर्ची और 3/4 चम्मच नमक, या आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपने देखा इसको सारा ये ठीक से फ्राई हो गया है। अब मैं इसका चूल्हा थोड़ा सा मीडियम उस पर करूँगी, मीडियम लो पर, और इसको हम ढक देंगे। इतनी देर ढकेंगे कि चिकन हाफ डन हो जाए और टोमेटोज हाफ डन हो जाए। अच्छा, ये अब मैं आपको दिखाऊँगी, ये आप लोग देखो चिकन हमारी हाफ डन हो गई। अभी अगर आपको नज़र आ रहा होगा चिकन फुल डन नहीं हुई है, ठीक है, चिकन हमारी हाफ डन है। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही को हम फेंट के डालेंगे और फिर इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा ढक देंगे, जब तक कि ये चिकन पूरी गल जाए, टमाटर अच्छे से भून जाए और हमारी ग्रेवी थिक हो जाए। थोड़ा सा मैं इसका चूल्हा तेज़ करूँगी बिकॉज बोनलेस चिकन है। अगर आप हड्डी में भी बनाएं तो आप इसी तरीके से बनाना, ठीक है। थोड़ा सा ये चूल्हा इसका तेज़ होगा और फिर लास्ट में जो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर हमने थोड़े से बादामों को फ्राई करके रखा है, ये गार्निश के लिए ऑप्शनल है बट डाल देंगे तो अच्छा लगता है। आपने नॉर्मल बादाम लेके उसको रात भर भिगो लिया, सुबह उठ के पानी फेंक के उसको आपने छील के और फिर आपने उसको हल्के से तेल में डालडा कुकिंग ऑयल में आपने इसको फ्राई कर लिया। यहाँ पर मेरे पास है फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज जो कि हम गार्निश में डालेंगे, हरा धनिया फाइनली चॉप ये भी गार्निश में जाएगा, और जो जिंजर चिकन जिंजर आपको पता है बन रही है तो ये मेन इन्ग्रीडियंट है। बिल्कुल फाइनली कटे हुए अदरक, ठीक है, इसके स्लाइसेस, इसको जूलियन कटिंग, फाइन स्लाइसेस या जूलियन कटिंग में आप इसको काटेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। बिकॉज ये चिकन जिंजर हांडी है तो हम इसको सर्व करेंगे किसी भी खूबसूरत सी हांडी में। 2 से 3 मिनट में इसको मज़ीद ढक के पकाऊंगी, फिर मैं इसको खोल के पकाऊंगी सो दैट हमारा पानी ड्राई हो जाए। बोनलेस चिकन है तो बहुत जल्दी गल जाएगी। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इस मुबारक महीने में बरकतें तो खूब सारी होती है, इसी तरह डालडा ने हमारे कुकिंग ऑयल की रेंज पर बचत भी रखी है। तो आप लोग जाएं डालडा कुकिंग ऑयल ख़रीदें और हमारी
जो हम रोज़ आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाते हैं उसमें बनाएं और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग के फीडबैक का हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, चाहे वो हमारे प्रेजेंटेशन हो चाहे वो हमारी रेसिपी हो। एक तो आप लोगों के लिए हम लेके ही कुछ इस तरह की रेसिपीज़ आते हैं, जाहिर सी बात है सहरी का टाइम है, कम टाइम होता है, प्लस इस महीने में कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अब होता ये है कि हम कहते हैं कि नहीं खाना भी खाना है, ज़ाहिर है भूखे तो नहीं रह सकते, सहरी भी करनी है, घर वालों को भी देखना है, तो अच्छे से अच्छा ज़रूर पकाएं बट साथ में इबादत भी करें। अब अच्छे से पकाएंगे कैसे, क्विक रेसिपी से जो हम ख़ास तौर पर आपके लिए लेके आते हैं। अच्छा ये देखें, अब इसके टमाटर कितने अच्छे गल गए आप देख रहे हो ना। अब मैं क्या करूँगी, अब इसका मैं ढक्कन हटा दूँगी। अब हमारे को इसके ढक्कन की कोई ज़रूरत नहीं है और ना हम इसको मज़ीद ढक्कन ढक के पकाएंगे। अब हम इसको खुला ही पकाएंगे, मीडियम लो पर पकाएंगे। थोड़ी सी मैं कलर देने के लिए हरी मिर्चें आधी इसमें अंदर डालूंगी, आधी हम इसके गार्निश के लिए रखेंगे। ये चीज़ें सारी आधी आधी आप डाल सकते हैं कलर देने के लिए। थोड़े से स्लाइस किए हुए अदरक भी डालूंगी सो दैट इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाए। बाकी ये मैंने अपने ऊपर टॉप की गार्निश के लिए रखा है। आप देख रहे हो ये तैयारी पर है, सिर्फ अब इसमें तेल ऊपर आना बाकी रह गया है। तो अब हम डाल देंगे इसमें दूध 2 से 3 टेबलस्पून। ठीक है, 3 टेबलस्पून इसमें दूध चला गया। अब हम इसको सिर्फ इतनी देर पकाएंगे कि थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, वेरी लिटिल, बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना है। इसमें हल्की सी ग्रेवी होती है, तेल इसका ऊपर आ जाए और चिकन तो गल चुकी है हमारी। अब आप लोग ये देखो, जो जिस तरह आपको मैंने बताया था ये वही उसी तरह सेम बन गई है। टमाटर सारे गल गए, दही में कोई क्रम्बल नहीं हुआ है, सारा तेल ऊपर आ गया। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ वी वॉन्टेड, इसकी शक्ल इसी तरह होनी चाहिए। अब इसका चूल्हा हम करेंगे बंद, इसको हम निकालेंगे अपनी किसी भी खूबसूरत सी हांडी में, जो भी आपके पास हांडी अवेलेबल है। आप इसको इफ्तार के लिए बनाएं, सहरी के लिए बनाएं, जिस तरह भी आपका दिल करता है आप इसको बनाएंगे। यहाँ पर हम इसको डिश आउट करके थोड़ी सी जगह बनाकर पराठे के साथ इसको हम सर्व करेंगे। मैंने पराठे भी बनाए हुए हैं। अच्छा, मेन जो अब हमारी चीज़ है वो है हमारा इसका गार्निश। गार्निश में मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची फाइनली चॉप, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। बच्चे रोज़ा रख रहे हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है हरी मिर्ची डालने की। और ये जो मैंने आपको बादाम बताए थे फ्राई किए हुए, थोड़े से बस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जगह बनाऊँगी और ये है पराठे हमारे, पराठे ऑब्वियसली चिकन हांडी है तो इसको हम सर्व करेंगे पराठे के साथ। और देखें कितनी ये अच्छी लग रही है। एक चीज़ मैं इसमें भूल गई हूँ, जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है अदरक, जिंजर हांडी में मैंने अदरक नहीं डाला। अदरक आप खूब जेनरसली डालेंगे, इसमें आप कंजूसी नहीं करेंगे। और मैं एक चीज़ इसमें थोड़ी सी और लगा दूँगी, खूबसूरत सी गार्निश बना के लगा सकते हैं। ये इंटायरली आपके ऊपर है, आपको कितनी मेहनत करनी है, किस तरह करना है। पराठे ये हो गया हमारा चिकन जिंजर हांडी रेडी विथ ज़बरदस्त गरम गरम पराठे। कशी जामे शीरी पाकिस्तान का नंबर 1 ड्रिंक है, हम सबका फेवरेट है, एनर्जी भी देता है। आपको पता है ये हम इफ्तार में भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी भी किस तरह किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। एक चीज़ जो कशी जामे शीरी ने अभी नई लॉन्च की है वो है शुगर फ्री, तो आप उसको भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है आज की चिकन जिंजर हांडी आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें फीडबैक भी दीजिए।